ठीक है फिरदौस साहब, आप साथ ही रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, आपके क्या कमेंट्स हैं आज के फैसले के मुताबिक? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा चूंकि पीटीआई में काफी अरसा खुद रही हैं, इसलिए वो पार्टी के अंदर के माइंडसेट को, वो पार्टी में किस तरीके से फैसले होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और जो उन्होंने कहा है कि पीटीआई को पीटीआई ने ही हरा दिया है, इस बात से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। आज का फैसला तारीख साज फैसला है। आज के फैसले ने ये साबित कर दिया है कि प्रेशर जिस भी किस्म के हों, असल में जो बालादस्ती है वो कानून की और आइन की होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है आज की प्रोसीडिंग में जब खत्म कर रहे थे अली जफर साहब, तो उन्होंने एक तरह से धमकी भी दी थी अदालत को कि अगर कोई फैसला ऐसा आया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो जिस शख्स का नाम काजी फायज इसे है, वो ना पहले कभी इस किस्म की धमकियों से डरा है और ना ही आज उसने किसी किस्म के डर या प्रेशर का मुजाहरा किया है। उन्होंने कानून की जो अमलदारी है उसका बोलबाला किया है। और ये बात भी मैं इत्तफाक करता हूँ फिरदौस आशिक साहिबा की ये बात से कि ये 2024 का इलेक्शन तो समझे पीटीआई के लिए ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसलिए कि इतना मुख्तसर वक्त है इलेक्शन की तारीख में और इतने लोगों के लिए अपने अपने सिंबल लेना, इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन लड़ना कतन भी आसान काम नहीं है। तो आज का ये फैसला मेरा ख्याल है कि आने वाले सालों में एक प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात जो सबसे अहम इस फैसले की है वो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो लेजिटिमेसी है, कि इलेक्शन कमीशन का जो दायरा-ए-कार है, जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उसका भी बोलबाला किया है। और इलेक्शन कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करार देते हुए उन्होंने उसके फैसलों के हवाले से भी बहुत अच्छे जज्बात और यानी ख्याल का इजहार किया है। दूसरी एक बात जो और बहुत जरूरी है वो ये कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से एक्ट किया, जिस तरीके से बिहेव किया, उसके फैसले को एसेटिफाइड करना भी मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बहुत सी हाई कोर्ट्स के अंदर जो केसेस हैं उन पर भी असर पड़ेगा। तो आज का ये फैसला कई एतबार से तारीख साज फैसला है। जी ठीक है, नवी चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नवी चौधरी साहब, जैसा कि बात कर रहे थे बुखारी साहब कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 230 जो हैं रिजर्व सीटें भी हाथ से गंवाई हैं, सेनेट के इलेक्शन में भी उनको नुकसान होगा, तो एक ज़रा सी कोताही उनके लिए एक बड़े नुकसान का बायस बनी है। देखिए, जब इंसान तकब्बुर का शिकार हो जाए और ये समझे कि इदारे मेरे साथ हैं, जजेस मेरे साथ हैं और ये समझे कि मैंने कोई 20 साल की हुकूमत करनी है, तो फिर वो कायदे कानून की परवाह नहीं करता। यही मामला बानी पीटीआई के साथ भी था। वो तकब्बुर की आखिरी हदूद को छू रहे थे, बल्कि छू रहे किसी हद तक हैं, क्योंकि जाहिर है भाई अमरीका बहुत सारी बैरूनी लाबियां की सपोर्ट कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सारे पैदा करने की। 9 मई के वाकयात के बाद जजेज ने जो कुछ अच्छा तो साथ दिया, इनके एक जजेज जैसे मुजाल साहब खड़े रहे, कुछ और फैसले लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे पीछे फैसले हो गए। तो मैं समझ आ गई थी कि ये जो हमने काम किया है, जराइम तो और भी बहुत ज्यादा है, इसके बाद कोई मार्जन नहीं है। नंबर एक ये तो था एक मामला। दूसरा पहलू ये है कि सिर्फ 2 दिन की आप प्रोसीडिंग देख लें, बतौर व्यूअर देख लें, बतौर अखबार के कार्य के तौर पर देख लें, चीफ जस्टिस साहब और जो हमारा फाजल बैंक कहते हैं जो न्यूज के दिग्गज साहबान के लोग, एक साहब है मुसरत अली साहब, मदर मोहम्मद अली साहब, उनके सवाल के जवाब मिले ही नहीं। मतलब मुझे तो इतनी परेशानी हुई कि हामद खान साहब जो हमारे बहुत सारे साथियों के भी आइडल हैं, बहुत नफीस शख्सियत हैं, उन्होंने स्ट्रेट में 3 दिन मांग लिए। आप अंदाजा लगाएं कि उधर इलेक्शन सिंबल अलर्ट होने हैं, केस पूरा आप पेशावर हाईकोर्ट में जितना से लेकर गए हैं सबको पता है, और वहां के जजेस क्या काम कर रहे थे ये भी सबको पता है। यानी कि आप अंदाजा करें, वो 3 दिन मांग रहे थे। सीजे ने कहा कि जनाब ये मामला तो हमें अगर अपनी वीकेंड खत्म करके संडे की छुट्टी खत्म करने पर भी करेंगे, इसको हमें सेटल करना है, आप केस लेके आए, ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन का आप टाइम मांग रहे हैं। अच्छा, फिर 2 दिन की प्रोसीडिंग आप देखें, जो कुछ पूछा गया किसी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। यानी कि देखें, टॉप ब्रास इनकी सारी वहां इकट्ठी थी पीटीआई की, और उनसे जो सवाल पूछे गए हैं, कोई कागज दिखा दो, कोई लेटर दिखा दो, कोई ये बता दो कब मामला किस तरह से हुआ है, कैसे ये अनाउंसमेंट हुई है, किस जगह इलेक्शन कराए गए हैं, जो जो क्वेश्चन किया गया है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था।
और वो ये तवक्को कर रहे थे कि सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहुत सारे बीजू के पीटीआई के एंकर बैठे हुए हैं, पीटीआई के हैं या कुछ ऐसे एंकर हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी में फसाद रहे, जाहिर एजेंडा होता है उनकी रेटिंग बनती है, उनसे तवक्को लगाई हुई थी कि शोर शराबे के नतीजे में जस्टिस काजमी फायज ईसा जैसा मजबूत आदमी। ठीक है नवी चौधरी साहब, आप साथ ही रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा तर्जुमान मरियम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज के फैसले